हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम 27 दिसंबर 2020। तो ये जो एमसीक्यूज रहेंगे ये आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे, जैसे कि पुणे मेट्रो, आईबी, एटीसी या एनएफएल, और कई सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, एक सेक्शन होता ही है हर एक एग्जाम में। तो ये उन सभी एग्जाम्स में आपको यूजफुल रहेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय नीति आयोग सीईओ, ठीक है, तो कौन सा डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नीति आयोग ने? ऑप्शन ए है नीति मैनेज्ड, ऑप्शन बी नीति एसेट्स, ऑप्शन सी डीजी बॉक्स या ऑप्शन डी डीजी एसेट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। रिसेंटली जो सीईओ है नीति आयोग के, कौन है? अमिताभ कांत, वर्चुअली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, उसका नाम है डीजी बॉक्स। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर होगा डीजी बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एमओयू विद द इंडियन नेवी टू कोलैबोरेट एंड एक्सचेंज एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ ओशन स्टडीज? तो ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने एमओयू साइन किया है विद इंडियन नेवी? ठीक है, ऑप्शन है सीएसआईआर एनआईओ, ऑप्शन बी सेम ऑप्शन है, ऑप्शन सी सीएएस, ऑप्शन डी सीएएसएमबी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज सीएसआईआर एनआईओ। तो देख सकते हो आप, एक एमओयू साइन हुआ है वर्चुअली बिटवीन द इंडियन नेवी एंड सीएसआईआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है, एनआईओ मीन्स वॉट? सीएसआईआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। तो इस इंस्टीट्यूट के और इंडियन नेवी के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन विच टू कंट्रीज द इंडियन यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ रिवाइज्ड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट? तो एक दो कौन से देश में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, रिवाइज्ड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है पाकिस्तान यूएसए, ऑप्शन बी यूएसए अफगानिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान फिलीपींस या ऑप्शन डी फिलीपींस और पाकिस्तान। तो बताना है बिटवीन विच टू कंट्रीज द इंडियन यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ रिवाइज्ड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हो आप, ऑप्शन सी दैट इज अफगानिस्तान एंड फिलीपींस। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ रिवाइज्ड एयर सर्विस एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान एंड फिलीपींस। ठीक है, तो इंडिया, अफगानिस्तान एंड फिलीपींस, तो इन सभी कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच स्टेट द एडीबी हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 2100 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया एंड टूरिज्म? तो किस स्टेट के साथ एडीबी ने ये लोन का एग्रीमेंट किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है, और किसके डेवलपमेंट के लिए? डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया एंड टूरिज्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। रिसेंटली एडीबी हैज साइन अ लोन एग्रीमेंट ऑफ रुपीज 2100 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया एंड टूरिज्म इन त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड टिल हाउ मेनी मंथ्स? ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है द सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, तो कितने मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया है? ठीक है, तो ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है 2 मंथ्स, ऑप्शन बी है 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 4 मंथ्स या ऑप्शन डी 5 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 3 मंथ्स के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बाय अनदर 3 मंथ्स। तो कब तक होगा ये? मार्च 25th 2021। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 20th एडिशन ऑफ द आईओआरए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग? तो क्या पूछा है 20th एडिशन ऑफ आईओआरए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये मीटिंग की थीम क्या थी? ठीक है, तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो, प्रोमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन, ऑप्शन बी आईओआरए यूनाइटिंग द पीपल ऑफ अफ्रीका,
ऑप्शन सी एड्रेसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन, या ऑप्शन डी एड्रेसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस चैलेंजेस टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ ओशन। ठीक है, तो करेक्ट थीम जो है कौन सी है वो बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये थीम है 20th एडिशन ऑफ IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज इंट्रोड्यूस्ड बाय द MOEFCC एंड WCS टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो क्या इनिशिएटिव, कौन सा वाला इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन ए फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर, ऑप्शन बी फ्लैक लाइक डायवर्टर, ऑप्शन सी फायर फ्लैग डायवर्टर, या ऑप्शन डी फ्लैक बर्ड डायवर्टर। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ सोसाइटी सोसाइटी इंडिया, ठीक है, हैव कम अप विद द यूनिक इनिशिएटिव जिसका नाम है फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर। ठीक है, फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर फॉर ओवरहेड पावर लाइन्स इन एरियाज वेयर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन आर फाउंड इन द वाइल्ड। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज वेल एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, तो इन दोनों ने मिलकर फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर आर्मी वेरियंट ऑफ MRSAM। ठीक है, तो किस जगह से सक्सेसफुली ये टेस्ट फायर किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, मीन्स व्हाट, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, बॉक्सिंग डे कौन सी डेट पे होता है। ऑप्शन ए दिसंबर 26, दिसंबर 25, दिसंबर 24 या दिसंबर 23। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज दिसंबर 26 इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड एज बॉक्सिंग डे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिटल फोरम वॉज लॉन्च्ड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार। तो कौन सा डिजिटल फोरम उन्होंने लॉन्च किया है, जो डिफेंस सेक्रेटरी है कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। DGNCC, ऑप्शन बी ई फॉर्म्स, ऑप्शन सी ई दृष्टि पोर्टल, या ऑप्शन डी एयर सेवा 2.0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए DGNCC, द डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार लॉन्च द DGNCC डिजिटल फोरम। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजी लेवल टॉक्स बिटवीन BSF एंड BGB स्टार्टेड एट विच प्लेस, कौन सी जगह पे हुआ ये। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी आसाम, या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द इंडिया हैज हेल्ड द डायरेक्टर जनरल डीजी लेवल टॉक्स बिटवीन BSF एंड BGB एट गुवाहाटी आसाम। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज सोल्ड एंटायर स्टेक फ्रॉम सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस। तो किस बैंक ने पूरी की पूरी स्टेक बेच दी फ्रॉम सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस। ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी RBI, या ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेट ओन्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज एग्जिट हाउसिंग फाइनेंस जॉइंट वेंचर बाय सेलिंग इट्स एंटायर स्टेक ऑफ ओवर 64% टू सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस फॉर ₹160 करोड़। तो इतने रुपए में उन्होंने पूरी की पूरी जो स्टेक्स है वो बेच दी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये रहे 27th दिसंबर 2020 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट डे के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जल्दी ही अपलोड करेंगे। सो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स नोटिफिकेशन सबको मिलती रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। थैंक यू।